नगर में आज भी ईमानदारी देखने को मिलती है। विगत दिन में रविवार को एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ इंदौर से सुबह 6 बजे कॉलेज सराहे हाईवे पर उतरे, वहां से टैक्सी करके जनपद पंचायत ऑफिस के पीछे अपने घर पहुंचे। जब राम मनोहर गुप्ता की पत्नी आरती को 2 घंटे बाद याद आया कि उनका बैग टैक्सी में रह गया है। जब राम मनोहर गुप्ता ने टैक्सी चालक शैलू खान को संपर्क किया तो उसने कहा कि भाई साहब आपका बैग सुरक्षित रखा है। राम मनोहर गुप्ता ने अपना बैग ले लिया। राम मनोहर व उसकी पत्नी ने बताया कि हम विवाह समारोह से इंदौर से सुबह 6 बजे करेरा आए, तब हमारा बैग टैक्सी में ही छूट गया था। तब हमें 2 घंटे बाद याद आई कि टैक्सी में हमारा बैग छूट गया है। हमने टैक्सी चालक शैलू खान का नंबर लगाया तो उसने बताया कि आपका बैग सुरक्षित है, आकर ले जाना। 2 घंटे बाद हमारा बैग सुरक्षित मिल गया। व्यापारी राम मनोहर व उसकी मित्रमंडली के द्वारा पुलिस सहायता केंद्र टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष शैलू खान का शॉल व माला पहनाकर सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि बैग में हमारे दस्तावेज व ज्वेलरी का कीमती सामान रखा था। इस नगर में आज भी ऐसे ईमानदार लोग रह रहे हैं। वहीं देखिए टैक्सी चालक शैलू खान अध्यक्ष टैक्सी यूनियन करेरा ने क्या कुछ कहा। अपने जो टैक्सी यूनियन अध्यक्ष शैलू खान का जो है सम्मान किया है, शॉल और जो मिठाई डब्बा दिया, इसका क्या कारण है बताएं? इनकी ईमानदारी का कारण है मैम, और हमारा कल की डेट में बैग इनकी टैक्सी में छूट गया था। इन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए तुरंत ही हमको बैग का फोन लगाया और हमको सूचना दी, और उसमें बहुत कीमती सामान था, हमारे दस्तावेज थे। मेरी ईमानदारी से बहुत पसंद, और ऐसा ही यूनियन अध्यक्ष का जो कार्य होना चाहिए वो करते हैं अपना, और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। ऐसे लोगों को आगे ऐसे ईमानदारी मिसाल बनाते रहे, ये हमारी शिक्षा है। राम मनोहर गुप्ता इसके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी का माहौल है। ये प्रेरणा मेरी माँ और बाप की देन है, उन्होंने मुझे शिक्षा दी है कि किसी के धन से सम्मान नहीं बनता, किसी का भी सामान मैंने तुरंत वापस करें, और किसी की आपका भी सम्मान हो मेरी तरह से।